गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक्सरसाइज है 2.2 अलजेब्रा का। अगर ये नहीं समझा तो शायद आगे का पूरा लेसन नहीं समझेगा। दूसरी बात, अगर साइंस या कॉमर्स लोगे और उसके अंदर मैथ्स लोगे तो शायद वो मैथ्स अधूरा हो जाएगा इनके बिना। इसके बिना पत्ता हिलता ही नहीं मैथ्स का, हर चीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। और ये 7th में था, 8th में था, 9th में था, अब 10th में भी है। ठीक है, ये कुछ बॉक्स है जो किसी को अगर नहीं आना होगा तो ये बॉक्स तुम लोग आराम से बॉक्स से कर सकते हो कि हाँ कैसे आ रहा है कुछ देखने के लिए। तो यहाँ पे देखने का सेकंड टर्म थर्ड टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स तुमको कोई लिख के नहीं देगा, आराम से इसको अगर स्क्रीनशॉट मार कर आप तुम लोग लिख सकते हो। जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझते होंगे तो उनको समझ जाएंगे, फिर भी बता दो, बहुत लोगों को समझता नहीं सर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो सेकंड टर्म प्लस है, थर्ड टर्म प्लस है। अगर ये दोनों प्लस आते हैं तो याद रखने का जो बीच वाला टर्म है वो उनका एडिंग होना चाहिए। और जो बड़ा नंबर और छोटा नंबर तुम ढूंढोगे उन दोनों को तुमको देना पड़ेगा प्लस प्लस। एग्जांपल देखो, ऐसे नहीं समझेगा लिए बिना। अब यहाँ पे देखो सेकंड टर्म तुम्हारा क्या है, ये फर्स्ट है, सेकंड टर्म तुम्हारा माइनस है और थर्ड टर्म तुम्हारा प्लस है। माइनस प्लस देखने का, यहाँ पर माइनस प्लस किधर है, देखो यहाँ पर है सेकंड टर्म थर्ड टर्म माइनस और प्लस, दिख रहा है? मतलब बीच वाला टर्म क्या होना चाहिए, एडिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हारा ये एड आना चाहिए, दो नंबर ऐसे ढूंढने कि जिनको ऐड करने पर 15 आना चाहिए, ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनको ऐड करने पर 15 आना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ का जो कोएफिशिएंट होता है चिपका हुआ नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर नंबर कोई भी आता है या यहाँ पे 1 है तो 1 × 54 फर्स्ट और लास्ट टर्म का इंटू कर रहे हैं। 54 वर्षा कितना होता है 54, तो तुमने ढूंढे ही होंगे, जो मेरे पास 9th के बच्चे हैं उनको तो फटाफट आता ही होगा। फिर भी ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनको इंटू करने पर 54 और उन्हीं दो नंबर को ऐड करोगे तो 15 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनको इंटू करने पर 54 और ऐड करने पर 15। तो बहुत लोग क्या करते हैं 15 देखने लग जाते हैं, दोनों का कुछ करने लग जाते हैं। अगर इजी करना है तुमको तो याद रखना सबसे पहले देखने का 54 किसके टेबल में आता है। तो 18 3 54, 27 2 54। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसलिए बहुत स्लो जा रहा हूँ, हाँ मैं ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए स्लो जाऊंगा। 18 3 54, 27 2 54। ठीक है, और 9 6 54। तो सबसे पहले 54 जो टेबल में आते हैं उसको एक लिस्ट बना दो। अब देखो दोनों को ऐड करने का 15 बोला है तो 18 + 3 कितना हुआ 21 हो गया, तो ये हम लोग को नहीं चलेगा। 27 + 2 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, बराबर। तो ये दो नंबर तुम्हारे आगे 9 × 6 हुआ 54, 9 और 6 हुआ तुम्हारा 15। अब बचे सिंबल के ऊपर, तुमने बोला मैंने बोला ना उसका इस्तेमाल कैसे करना है। देखो माइनस प्लस मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ऐड किया, तो उसी के आगे जानेगा बिग नंबर को सिंबल देना है माइनस, स्मॉल नंबर को सिंबल देना है माइनस, क्योंकि एक भी माइनस की जगह में प्लस हुआ बोर्ड में 0 मार्क। सिंबल का खेल है ये 2.2, याद रखना। तो माइनस माइनस दोनों को देना है, यहाँ पर भी तुमको माइनस देना है, यहाँ पर भी तुमको माइनस देना है। अब यहाँ पे 15 का सरनेम क्या है, एक्स है, 15 के पीछे x लगा हुआ है तो इन दोनों को भी x लेना है, उसके ये बच्चे दोनों मान लो छोटे छोटे, तो यहाँ पर तुमको इसको x लगाना है। अब बीच वाले टर्म को तोड़ना है और वो तोड़कर ये दो नंबर डालना है, -9x - 6x। तो 15 कट गया उसके जगह पे 2 मिल गया। अब बाकी के नंबर वैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, 54 का 54, 0 का 0, क्लियर हो गया। अब आते हैं इसको सॉल्व करने, इधर से इजी है, तुमको सिर्फ ढूंढना है और एग्जाम में बिना सर ढूंढने आने वाले नहीं है, ढूंढना तुमको खुद को है। ठीक है, और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और उसके लिए टेबल आनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसके आगे इजी है, दोनों को दो दो पार्ट में डिवाइड कर दो, बताओ दोनों में इक्वल क्या है, दोनों में इक्वल एक्स है, तो यहाँ पे दोनों में से x निकालना है, यहाँ से एक x निकालना है, यहाँ से एक x निकालना है, यहाँ से x निकालोगे तो 9 बचेगा, बीच में माइनस है, यहाँ पे x 2 है जिसमें से तुमने एक निकाला तो एक x बच जाएगा, तो हो जाएगा x - 9। ओके, दोनों में से x निकालना है क्योंकि दोनों में सेम है।
अब यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस दे रहा है। अब यहाँ पे एक्स है क्या? नहीं है, लेकिन 6 के टेबल में 54 आता है। तो बहुत सारे बोलते होंगे हाँ आता है, 6 9 54, तो यहाँ पे 6 लेना है। 6 निकाल दोगे तो बचेगा x, और याद रखना ये प्लस मत लिखना कभी भी, जब यहाँ पर जाओगे ना सिंबल से खेलना है, माइनस प्लस माइनस। और 6 का टेबल कितने बार बोलने पर 54 आता है? 9 बार बोलने पर इज इक्वल टू 0। याद रखना ये दो टर्म इक्वल आने ही चाहिए, अगर नहीं आएंगे तो तुमने गलती किया होगा। ठीक है, तो ये दो बार है उसको एक बार लिखना है, एक दो उसको एक बार लिखना है, और बचा हुआ ये निकल गया। अब बचा हुआ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 0 जो है वो दोनों को बांट दो, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मैंने कल के वीडियो में बताया था, पहले भी बता चुका हूँ, 0 का कुछ वैल्यू होता नहीं, डायरेक्ट इधर प्लस का माइनस का प्लस कर देने का, तो माइनस का हो जाएगा प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। दिस इज योर आंसर, ये तुम्हारे रूट्स हैं 9 and 6। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा काम है 0 लाना, तुमको इस टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, पहले स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, उसके बाद क्या होता है कोएफिशिएंट के साथ नंबर, यहाँ पे इज इक्वल टू इस साइड में, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। फिर चाहिए तुम्हारा नंबर, वो भी इज इक्वल टू उस साइड में, इधर आ जाएगा प्लस का माइनस इज इक्वल टू 0। अब अपने रूल के ऊपर, जो कच्चे बच्चे ना उनको उनके लिए मैंने किया हुआ है, बाकी लोगों को मैं और इसके डिटेल में जाऊंगा तो एकदम इजी वाला रूल भी बता दूंगा, लेकिन जो कच्चे बच्चे रहते हैं सब कैसे आ रहा है क्या आ रहा है समझ में नहीं आता, उसके लिए वो बॉक्स है। क्यों, वो बच्चा भी बोला कि मुझे इस क्लास में समझता है, मुझे यहाँ पे समझता है, मुझे बिला सर का लेक्चर समझता है, इसलिए मैंने किया हुआ है। देखो यहाँ पे माइनस माइनस लिखा हुआ है, देखो माइनस माइनस किधर पे आ गया, मतलब बीच वाला टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। याद रखना पेपर में सब्ट्रैक्ट, ये ऐड, ये ऐसे नहीं करना है, ये समझने के लिए कर रहा हूं। बीच वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, और 5 × 15 होता है 75। ऐसे नंबर को ढूंढना है जिनको इंटू करने पर 75 हो जाए और माइनस करने पर 22 हो जाए, माइनस करने पर। अब कोई बोलेगा सर 55 से 75 हो जाता है, 25 3 से 75 हो जाता है, तो ही है। अब इसमें से माइनस करने के बाद 22 होना चाहिए, 15 में से 5 माइनस करोगे तो 10 आएगा, ये गया खड्डे में। 25 में से 3 माइनस करोगे तो 22 आएगा, मतलब यही हमारा नंबर है। अब इसके बाद आता हमारा दूसरा चैलेंज, वो मतलब सिंबल देना। तो अभी देखो मैंने इसके आगे जाने का माइनस माइनस दिया, बिग नंबर माइनस स्मॉलर नंबर प्लस, यहाँ पे बिग नंबर माइनस और यहाँ पे स्मॉल नंबर प्लस, और इनका सरनेम है एम, तो यहाँ पे तुमको एम लगाना है, तो यहाँ पे ये टूटेगा और यहाँ पे जाएगा माइनस 25m प्लस 3m, बाकी वैसे का वैसे लिखना है। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसके आगे इजी है, सिंबल ही तुम लोगों में, यहाँ पे 5 के टेबल में 25 आता है सर, आता है तो 5 कॉमन हो गया, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, हाँ सर m है। ठीक है, तो 5 आ गया, m आ गया, अब यहाँ पे m कितने थे, 2 थे, इसलिए 1m बच जाएगा। ठीक है, देखो मैंने 5 निकाला, m 2 थे, 1 निकाला, 1 बच गया, 5 5 25, और m तो तुमने पहले दोनों में से m निकालना है, तो m तो निकाल दे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 25 बचेगा, लेकिन 5 के टेबल में आता है 5 5 25। अब यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस लिखो, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है क्या, नो, यहाँ पे 3 है, 3 के टेबल में 50 आता है, तो यहाँ पे आएगा 3, 3 निकालने पर आएगा m, प्लस माइनस माइनस 3 5 15, देखो सेम आ गया, वो आना ही चाहिए। अब सेम आ गया वो, एक बार बचा हुआ, एक बार 5m + 3 इज इक्वल टू 0, 0 दोनों को बांट देना है, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5m + 3 इज इक्वल टू 0, माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का हो जाएगा माइनस। देखो यहाँ पर मैंने माइनस का प्लस किया, माइनस का प्लस किया, खत्म हो गया, यहाँ पे एस के आवाज में कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर
m के वर्ग में 5 है इसलिए डिवाइड हो जाएगा, तो डायरेक्ट करो प्लस का माइनस पर इनटू का डिवाइड, ये मैं मिटा देता हूं। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब हमारा 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, हम लोग अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं कि अपॉन में जो नंबर होगा, अगर अपॉन में नंबर होगा तो उसे सबको इंटू करना है, 6x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स, 1x, ये हो गया तुम्हारा कैंसर, 6x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये बचा तुम्हारा 2 1 2 1x, 6x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस, याद रखना ये नंबर इधर ही है, सिंबल चेंज करना नहीं है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये 1 मानते नहीं है, हो गया इजी वापस, इसके आगे तुमको आना चाहिए, पढ़ा चुका हूँ मैं भी जस्ट थोड़ी देर पहले, 6 2 12, ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसको इंटू करने पर 12, और देखो यहाँ पे माइनस माइनस, देखो यहाँ पर माइनस माइनस, तो क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट, ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर एक्स मतलब 1 आना चाहिए और इंटू करने पर 12 आना चाहिए, तो सबसे पहले 12 टेबल में देखना है, 6 2 12, 12 1 12, 4 3 12, अब इसमें माइनस करने पर 1 कब आ रहा है, 6 2 4, 12 1 11, और 4 3 1, ये तुम्हारा आंसर है, बराबर है। फिर आते बात सेकेंड प्रोसेस हमारा है, वो है सिंबल का, यहाँ पर ही जा रहा है माइनस माइनस, मतलब बिग नंबर को माइनस और स्मॉल नंबर को प्लस, मैंने पहले ही बताया ये कोई नहीं देने वाला है पंचशतक छोड़कर, तो माइनस प्लस, बिग नंबर को माइनस स्मॉल नंबर को प्लस, बिग नंबर को माइनस स्मॉल नंबर को प्लस, सर ने भी यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर तुमको देना है एक्स, तो यहाँ पर तोड़ना है और डालना है माइनस 4x प्लस 3x, बाकी वैसे का वैसे, अभी थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि दो क्वेश्चन तुम पढ़ चुके हो पहले, आप दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पर 6 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता, 6 और 4 किसके टेबल में आता है, 2 के, तो 2 आएगा कॉमन, यहाँ पे x है यहाँ पर x है, x आएगा कॉमन, अब 2 से इसको डिवाइड करना है, 2 3 6, x 2 थे जिसमें से एक तुमने निकाल दिया, बचा x, यहाँ पर 2 2 4, x था यहाँ पर तुमने निकाल दिया है, ये तुम्हारा आ गया। अब आगे आते हैं, 3 के टेबल में 2 आता है, नहीं, यहाँ पे x है यहाँ पर x है, नहीं, तो इसमें कॉमन नहीं है, तो तब कॉमन 1 आता है, या फिर देख लो 3 और 2 किसके टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में सब कुछ आता है, तो यहाँ पर 1 आएगा, जब 1 से करते हो तो जो आंसर है वही वापस लिखना रहता है, इसलिए तुम्हारा आएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, आ गया दोनों से सेम आ गया, उसको एक बार लिखते हैं हम लोग, 3x माइनस 2 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 दोनों को तुमको देना है वापस, अलग अलग करना है, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 की वैल्यू होती नहीं है, माइनस का हो जाएगा प्लस और इनटू का हो जाएगा डिवाइड, दिस इज योर आंसर, x इज इक्वल टू 2/3 और प्लस का हो जाएगा माइनस और इनटू का हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि अपॉन में था, फिर तुम लोग बोलते अपॉन वाला नहीं पढ़ा इसलिए पढ़ा, इससे पहले तुमको सब समझ गया होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, यहाँ पर रूट वाला है, कोई बोलेगा सर रूट वाला नहीं आता, ये सब पेपर में नहीं आते हैं, बट बता रहा हूँ कि सर रूट वाला आपने नहीं बताया, अपॉन वाला नहीं बताया, फिर रूट वाला देते हैं। अब रूट वाला क्या करना है, इसको इससे इंटू करना है, 5√2 इंटू रूट 2, बहुत लोगों को तो इंटू करना ही नहीं आता, 9th में बोलो अच्छे से पढ़े नहीं रहते, उसको आराम से करो, 5 बाहर है यहाँ पे, 1 बाहर रहता है, 5 1 5, और अंदर वाले का अंदर से इंटू होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, और जिसको नहीं समझता है तो 2 2 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, और सब बता चुका हूँ, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है, तो रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2, तो 5 कितना आ जाएगा 10,
मतलब तुमको क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसको इंटू करने पर 10 आए और प्लस करने पर 7 आए। देखो प्लस क्यों, प्लस प्लस यहाँ पे, प्लस प्लस मतलब क्या आना चाहिए, ऐड। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पर 7 आना चाहिए और इंटू करने पर 10 आना चाहिए। और तुम्हारे सामने 5 2 10 होता है, 5 2 10, तो तुमको करना है 5 2 10, 5 plus 2 7 और 5 2 10। सरनेम क्या लगाना है, x। प्लस प्लस है, देखो यहाँ पे प्लस प्लस, बिग नंबर प्लस, स्मॉल नंबर प्लस, तो यहाँ पर आएगा प्लस, ये भी आएगा प्लस। वापस वही बात, प्लस 5x, तुम लोग खुद पक जाओगे, सेम सेम बात वापस आ रही है। 5 under root 2 = 0, यहाँ पर √2x². अब यहां से बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है कि सर इसमें कॉमन तो कुछ सिर्फ x दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो उनको नहीं समझ में आता, ठीक है। यहाँ पर भी कॉमन वगैरह सबको समझ में नहीं आता कि सर इसमें कॉमन कौन सा लेना है, यहाँ पे क्या करना है, रूट टू के टेबल में 5 नहीं आ रहा है, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है देख लो आराम से, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है तुम्हारा x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो बचेगा क्या तुम्हारा √2। x तुमने निकाला हुआ और क्या बचेगा x, यहाँ पे 2x थे तो यहाँ पे क्या है 1x बच गया यहाँ पर, प्लस उसके बाद बचा तुम्हारा 5। तुमने सिर्फ x को कॉमन निकाला, यहां से भी x, यहां से भी x, x कॉमन निकाला, बचा √2। x 2 थे इसलिए x बच गया, यहां से x निकाला तो यहां पे सिर्फ 5 बचा। अब 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये आंसर कैसे आएगा सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो याद रखना जब भी ऐसा कंफ्यूजन होगा तो क्या करना है, 2 मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा √2 × √2 क्या हो जाता है 2 होता है, √2 × √2 क्या हो जाता है 2, मतलब ये 2 मतलब क्या है, मैं इसको तोड़ रहा हूँ, उसके एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, ये स्टेप पेपर में लिखना नहीं है, बढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को समझने के लिए। 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 × √2, ये x ऐसे रहने दो, अभी तक मैंने कॉमन नहीं निकाला, ऐसे रहता हूँ तुमको समझने के लिए, यहाँ पे मैंने कॉमन नहीं निकाला। अब देखो ये ऐसे रहने दो, अब बताओ दोनों में सेम क्या है, अब तुम लोग बोलेंगे सर दोनों में समान इक्वल क्या है, √2 वो तुम्हारा आ गया √2 इक्वल। अब ये √2 निकाल दो क्या बचा, √2 क्या बचा x, और √2 निकाल दो क्या बचा 5, देखो सेम हो गया, आना ही चाहिए सेम, नहीं आएगा तो तुमने गलती किया हुआ है, = 0। जो सेम आता है उसको एक बार लिखना है √2x + 5 और बचा हुआ x + √2 = 0। 0 दोनों को बांटना है, √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। अब 0 की वैल्यू कुछ होती नहीं है तो x की वैल्यू +, का क्या हो जाएगा माइनस, और जो चिपका हुआ है मतलब इनटू है वो हो जाएगा डिवाइड, और प्लस का हो जाएगा माइनस। दिस इज योर आंसर, पेपर में नहीं आता, बस ऐसे लिया हुआ है। फिर अभी तीसरा क्वेश्चन डाउट रहता है, सर ये अपॉन वाला नहीं समझता, सर रूट वाला नहीं आता। अब तो यार सर तीन नंबर ही नहीं है, तीन टर्म ही नहीं है, आप सब में आपने जितने भी क्वेश्चन करके थे उसमें 3 टर्म थे, इसमें तो 2 ही टर्म है, तो इसको कैसे करने का। अब बहुत लोग क्या जो होशियार रहते हैं ना, जो एकदम बेचारा जिनका मैथ्स का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, वो तो शायद सॉल्व नहीं करते, लेकिन जो होशियार रहते हैं ना वो क्या करते थे, इसको ऐसे करते m² = 9 into का divide taking square root 9 का 3 25 का 5। generally ये सही है बस बराबर है सर, m square बाजू में लिया 25 into था divide किया taking square root 3/5 आ गया, हो गया मेरा answer, एक बार आएगा plus एक बार आएगा minus, सही है, generally ये सही है, ये सही है, but paper में ये कभी भी आएगा solve by factorize method, इसमें फैक्टर है ही नहीं, ऐसे नहीं चलेगा सर मेरा सही था, मैंने ऑप्शन के साथ सॉल्व किया था तो सेकंड था, सही नहीं होगा तो आगे वाला बराबर देंगे, वो गलत है सर। फैक्टराइज मेथड में ऐसे फैक्टर आने चाहिए, 2 मिलने ही चाहिए कंपलसरी, तो ये गलत है, जनरली सही है लेकिन बाय फैक्टराइज मेथड आया तो ये गलत है। तो इसको करना है तुम लोगों को ऐसे, 25 m² + का हो जाएगा माइनस,
इज इक्वल टू जीरो, तुमको जीरो लाना ही है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही है तुमको। अब देखो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। एम स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एम का। फाइव का स्क्वायर 25, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, देखो वैसे ब्रैकेट में डालना है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, इज इक्वल टू 0। स्क्वायर स्क्वायर आ गया, फिर 6 7 8 9 10 फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, और उसका फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, उसका वो फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ए प्लस बी मतलब 5 प्लस 3, ए माइनस बी मतलब 5m माइनस 3, देखो फैक्टर आ गया। अब जीरो दोनों को बांटना है, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू प्लस का माइनस इनटू का डिवाइड, माइनस का प्लस इनटू का डिवाइड, आंसर वही आया जो तुमने मैंने बताया था, टेकिंग स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3/5 था, तो यहाँ पर भी माइनस आया यहाँ पर भी प्लस आया, आंसर वही आया, लेकिन यही मेथड से करना पड़ेगा। दिस इज योर फैक्टराइज मेथड। अब इसके बाकी क्वेश्चन तुमको होमवर्क करना है, और अगर उसमें डाउट आएगा तो कमेंट में नीचे लिखना है, या तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना या डायरेक्ट कॉल कर लेना, ठीक है। ये बहुत जरूरी, इसको 10 बार देखो, जिनको नहीं आते जिनको आते उनके बाएं हाथ करके दे, जो नाइन्थ में पढ़े जो अच्छे थे उनको आता है तो उनका टेंशन नहीं है, ठीक है। स्टे ट्यून्ड।